Culture Awareness Camp. This is the trip we have planned today. It's a very short trip to Polani Mata, and we have started from Chamba. It's just we are going to Polani Mata by Khajiar, but weather is very good. But we have seen that there is a lack of tourism, lack of tourists. There are no tourists as such. It's a peak season right now, but there are no tourists as such. So we just, two of us, we have started our journey, and here we are standing. Today the weather is not very clear, but this is the Mount Kailash first view, and we are actually looking for the view of Mount Kailash, but due to the weather is not very clear and not very sunny, so it's, the vision is not very clear, but it's a very beautiful place. You all, the people outside from Himachal, please do visit this place. It's a mini Switzerland of Chamba, and you will love to visit here. Now you are watching our campsite near Chandi Devi, Rathiar. So that place is known as Wild Himalayan Brown Bear Adventure and Chamba Nature Awareness Camp. Most beautiful sight. I am Narendra Singh capturing this video from Kailash Point, Khajiar. Thank you.
आइए पोलानी माता के ट्रैक की शुरुआत हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, डलहौजी से बिल्कुल करीब में पूरी पहाड़ी के हिल टॉप पे है। ये डिफेंस एरिया है, यहाँ पे वैसे तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और हम आपको जस्ट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिखा रहे हैं कि ये कैसी जगह है। This is Narendra Singh Sandhu and Anupam Sharma. Today we are coming from Chamba, hiking one day trip from Polohani Mata. Polohani Mata is a place for god worship. I hope say something about Anupam Sharma, please. Hello. We are just shooting this video from the on way to Polohani Mata. It's a beautiful temple of goddess Kali, one of the form of the goddess Kali, and we love to visit this place every time on Navratri, and this is our visit. Today we are only two of us, our whole trip and whole team is not here, so we just enjoying here. The weather is very, very good. There is no sun, and the cool breeze is blowing through the forest of this Berdar, and we are enjoying going on foot. It's a small track of 1.9 kilometers, I think. So less than 2 kilometers. And
से 22 किलोमीटर बाय रोड और 1.9 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। तो इसके साथ में यहाँ की जो वैली है thank you.
मैं हूँ, ये अनुपम है और ये पुनीत है और हम यहाँ पलवानी माता में घूम रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए थे पलानी माता। मैं अनुपम, नरेंद्र सिंह संधू जी आपके सामने खड़े हैं और एक हमारे पुराने मित्र पुनीत जी दिख गए हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं शायद। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। आज हम धूप एक्सपेक्ट कर रहे थे पर इतना क्लियर वातावरण तो हमें नहीं दिखा, लेकिन प्रकृति का असीम आनंद हमें यहाँ पे आके मिला है। बहुत ही खूबसूरत वादी है और मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ये ट्रैक है, जिसके बाद आप पहुंच जाते हैं पलानी माता मंदिर में। और ट्रैक इतना आसान है कि कोई भी आके यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकता है। और ख़ासकर हमारा चंबा और बाहर से आने वालों से निवेदन है कि वो आएं और यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रकृति की वादियों के बीच में इस ट्रिप का आनंद लें। डलहौजी से मात्र, नरेंद्र जी कितने किलोमीटर है ये हमारा ट्रैक? डलहौजी से 17 किलोमीटर ये प्लेस है और चंबा से 22 किलोमीटर। चंबा से मात्र 22 किलोमीटर और डलहौजी से 17 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 1.9 किलोमीटर और जो पैदल आपने चलना है वो 1.9 है। 2 किलोमीटर से भी कम में आप बहुत ही नेचर के इतने करीब। और यहाँ पे आप देखिए वादियों में इतने खूबसूरत वृक्ष, जगह जगह पे आपको कई तरह से आए हुए सैलानी दिख जाएंगे। और बहुत ही आज का हमारा ये खूबसूरत ट्रिप रहा। आज हमारा पूरा हाइकिंग ग्रुप तो नहीं आ सका, लेकिन जितने भी हम लोग आए हैं उन्होंने बहुत ही आनंद लिया है इस ट्रैक का। यहाँ से अब मैं आपके लिए शुक्रगुजार करता हूँ। कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नरेंद्र सिंह संधू। हेलो बडीज, आज का हमारा ट्रिप जो पलानी माता की वादियों से हमेशा से ही हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान रहा है, जहाँ पे हम लोग स्कूल डेज से आ रहे हैं। आज तक हम जब भी आए हैं बिल्कुल रिजुविनेट होके यहाँ से वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं। छोटा सा ट्रैक है लेकिन इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती हम आपको बयान नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। बहुत ही नज़दीक चंबा से मात्र खजियार जाएंगे आप। खजियार से मात्र 12 किलोमीटर का आपका ट्रैक है जो आपका पहुँचता है बाय व्हीकल। आप पहुँचेंगे लकड़ मंडी में, लकड़ मंडी से आप विज़िट करते हुए आ जाएंगे। 3 किलोमीटर का एयरफोर्स रोड है और 3 किलोमीटर के एयरफोर्स रोड के बाद आप सिर्फ पैदल मात्र 1.9 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर से भी 100 मीटर कम में आप एक काली माता के स्थान, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि बिल्कुल पहाड़ की टॉप पे है, वहाँ पे आप आएंगे। चाहे गर्मियों में आए चाहे सर्दियों में आए, ठंड का एहसास बना रहता है। और यहाँ आने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा गियर की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ही आरामदेह ट्रैक है जो कि सीमेंट से बना हुआ है। आपके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मार्च तक भी आएंगे तब आपको यहाँ पे खूबसूरत बर्फ़ की चादर दिखेगी और आपको बर्फ़ का आनंद लेने के लिए आता है। बहुत से टूरिस्ट आते हैं लेकिन वो मात्र इतनी सी चढ़ाई चढ़ के मंदिर तक जाने की जहमत नहीं उठाते। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि जब भी आप आएँ डलहौजी विज़िट करें। तो डलहौजी से तो मात्र 12 किलोमीटर का ट्रैक है लकड़ मंडी, और लकड़ मंडी से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर आके आप यहाँ पे ज़रूर ये ट्रैक करें। इतना छोटा ट्रैक और इतना आसान ट्रैक आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप साउथ से आ रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे पंजाब से आ रहे हैं, सभी टूरिस्ट से मेरा ये अनुरोध है कि वो कृपया करके मंदिर तक ज़रूर जाएं। आपके लिए बहुत ही एक यादगार सफ़र रहेगा। और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा है और आज ये अप्रैल महीने की बात है जबकि हमारे घरों में
गर्मी सब जगह हो रखी है और हम यहाँ गर्म कपड़े पहन के आए हैं और फिर भी यहाँ पे ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है। यहाँ पे थोड़ी सी एयरफोर्स का एरिया है जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा फोटोग्राफी करके आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम पर्सनल वीडियो करके जस्ट आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के भेज रहे हैं। शुक्रिया अपने दोस्त नरेंद्र सिंह समूह के साथ, मैं अनुपम शर्मा।